नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर अजय जाटोलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेडिकल एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमंस, द एनवायरमेंट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। मेडिकल एंटोमोलॉजी ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी विच डील्स विद आर्थ्रोपॉड्स विच अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मैन एंड वर्टिब्रेट एनिमल्स। इन अदर वर्ड्स, मेडिकल एंटोमोलॉजी इज द मेडिकल साइंस डायरेक्टली कन्वेंस्ड विद वेक्टर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। आर्थ्रोपॉड्स आर द मोस्ट न्यूमरस एंड वेराइड ऑफ द लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट ऑफ मैन। सम ऑफ देम आर मैंस एलाइज हेल्पिंग इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर्स, बट द मेजोरिटी ऑफ आर्थ्रोपॉड्स इन जनरल आर आइदर ऑफ नो यूज टू मैन और आर हिज मोस्ट डेंजरस एनिमीज। दे डिस्ट्रॉय मैंस क्रॉप्स एंड हिज फूड रिजर्व्स एंड सम विच लाइव क्लोज टू मैन एक्ट एज वेक्टर्स और कैरियर्स ऑफ डिजीज। ट्रांसमिशन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स बोन डिजीजेज। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन टू मैन थ्रू क्लोज कॉन्टेक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्कैबीज। मैकेनिकल ट्रांसमिशन में द डिजीज एजेंट इज ट्रांसमिटेड मैकेनिकली बाई द आर्थ्रोपॉड। द ट्रांसमिशन ऑफ डायरिया, डिसेंट्री, टाइफॉइड, फूड पॉइजनिंग एंड ट्रेकोमा बाई द हाउस फ्लाई। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन, वेन द डिजीज एजेंट डेवलपमेंट चेंज विद और विदाउट मल्टीप्लीकेशन इन द आर्थ्रोपॉड होस्ट, इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। दिस मे बी ऑफ थ्री टाइप्स। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्थ्रोपॉड कंट्रोल। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ आर्थ्रोपॉड कंट्रोल आर एनवायरमेंटल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल। शुरू करते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल। दिस ऑफर्स द बेस्ट अप्रोच टू द कंट्रोल ऑफ आर्थ्रोपॉड्स ऑफ एग्जाम्पल्स environmental manipulatio are elimination of breeding place sources, reduction, filling and drainage carefully, plant water management of pipe water supply, proper disposal of refuse and other waste, cleanliness in the around houses, etc. Health education of the publication. Chemical control. A wide range of insecticides belonging to the organophosphorus and carbonate groups of compounds are available for vector control. Biological control. In biological control, the use of larvae, worms, fish, especially gambusia, is well known in mosquito control. A variety of other biological agents, for example bacteria, fungi, nematodes, protozoa and viruses, are under study for the control of insects, but direct contact harmful to the health of man himself. This session powered by digital version 2.0, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. I hope you are satisfied
with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.